मंगलवार को पंजाब में मोहाली की एक रैली में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बताकर सियासत गरमा दी थी, जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने सीएम अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन इन सब के बीच आज आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के बयान को खारिज करते हुए कहा कि वो पंजाब के सीएम नहीं होंगे, बल्कि पंजाब का ही शख्स सूबे का सीएम होगा। केजरीवाल ने पंजाब के पटियाला में एक रैली के दौरान ये बात कही। पंजाब से बाहर के सीएम उम्मीदवारी का विरोध कर रहे नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का सीएम पंजाब का ही तो होगा, पाकिस्तान का तो नहीं, लेकिन जो भी सीएम बनेगा वादे पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस दौरान रैली में केजरीवाल ने चुनावी वादों की छड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि एक महीने में नशे की सप्लाई बंद करेंगे, 40 लाख बच्चे नशा करते हैं, 6 महीने के अंदर नशे का इलाज करके नशे से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा 25 लाख रोजगार, 80% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का वादा केजरीवाल ने किया है। साथ ही बुजुर्ग, विधवा, विकलांगों को 2500 पेंशन देने और 1.5 से 2 साल में किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी आज की रैली में केजरीवाल ने कही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब के सीएम नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।